हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी एक चीज़ बताने जा रही हूँ। ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनके पास मेकअप का सामान नहीं होता बट मेकअप करना होता है। तो बिना मेकअप का सामान हुआ आप मेकअप को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, मैं आज यही बताने जा रही हूँ। इसे बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी रेमेडी मिस ना कर पाए, क्योंकि मैं ऐसी इजी रेमेडीज देती रहती हूँ और आप उनका फायदा उठाते रहे, मेरी यही इच्छा रहती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि एक लिपस्टिक से आप पूरे मेकअप को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने कहीं पार्टी में जाना, हमारे पास सिर्फ बेस है यानी सिर्फ फाउंडेशन है। फाउंडेशन एक ऐसी चीज है जो हर एक के घर में होती है, लिपस्टिक भी एक ऐसी चीज है जो हर एक के पास होती है, लेकिन आईलाइनर है वो हर एक के पास नहीं होता, आई शेडोज है वो हर एक के पास नहीं होती, मस्कारा है वो नहीं होता। और हमने जाना होता है पार्टी में तो हम मेकअप कैसे करें, यही आज आपको बताने जा रही हूँ। लिपस्टिक के अंदर मैंने फ्रेंड्स ये कलर लिए हैं, एक मैजेंटा कलर है, मतलब मेटेलिक के अंदर है ये, और ये रेड कलर है और ये पिंकिश टोन के अंदर कलर है। तकरीबन ये तीन कलर ऐसे हैं जो हमारे ब्लशर के अंदर भी काम आते हैं। हमने फाउंडेशन से अपना मेकअप कर लिया यानी बेस बना लिया, तो उसके बाद हमें जरूरत है ब्लशर की। ब्लशर के लिए हमारे पास ब्लशर नहीं है तो हमने क्या करना है, लिपस्टिक लेनी है, जिस कलर की आपने ड्रेस डाली हुई है उस कलर की लिपस्टिक लेनी है, और लिपस्टिक लेके आपने हल्का सा अपने हाथों पे ऐसे लगाना है लिपस्टिक को, इस तरह से लगा के आपने ये इस तरह से करके आपने चिक्स पे आपने लगा लेना है। तो इससे क्या होगा, ये आपके ब्लशर का काम करेगी, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आपके पास ब्लशर नहीं है तो हो गया आपका मेकअप, आपने फाउंडेशन के ऊपर ब्लशर लगा लिया। इसके बाद आती है आई शेडो। तो आई शेडो आपके पास नहीं है, आई शेडो किट हर एक के पास नहीं होती। लिपस्टिक के आपके पास कई कलर है, आपने फाउंडेशन लगा ली, जिस ड्रेस की आपने जो ड्रेस आपने डाली है जिस कलर की, आपने उस कलर की आई शेडो चूज करनी है। आप कोई भी लिपस्टिक लें उस कलर से मिलती जुलती, जैसे कि मैंने ये रेड लिया है, रेड लिपस्टिक ले, आप अपने आईज के ऊपर हल्का हल्का इस तरह से टच दे, इस तरह से टच देने के बाद आपने हल्का हल्का हाथों से ऐसे फैला देना है, तो ये आपकी बन गई आई शेडो। तो ठीक है, आपकी आई शेडो की समस्या भी हल होगी। अगर आपके पास आई शेडो नहीं है तो आप लिपस्टिक से आई शेडो का काम भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया लाइनर। आपके पास लाइनर नहीं है, आपके पास लिक्विड लिपस्टिक पड़ी है, मान लो मेरे पास ये लिक्विड लिपस्टिक है, तकरीबन आजकल ट्रेंड में है हर एक के पास लिक्विड लिपस्टिक होती है, तो आपने क्या करना है, कोई भी ब्रश लेके, बारीक ब्रश, जैसे कि लिप ब्रश आता है, पेंट ब्रश आता है, बिल्कुल जीरो नंबर का बिल्कुल बारीक ब्रश आता है, उस ब्रश को लेके हल्का हल्का इसके साथ टच करके आपने इससे आईलाइनर लगा लेना है। यानी ब्रश लेके आपने ब्रश को टच करना है और ब्रश लेके आपने उससे इसका आईलाइनर लगा लेना है। कलर्ड आईलाइनर आपको पता ही है कि बहुत ही ट्रेंड के अंदर है, और कलर्ड आईलाइनर लेने जाओ तो बहुत ही कॉस्टली है। तो आपकी लिपस्टिक जो है लिक्विड लिपस्टिक आपका कलर्ड आईलाइनर का काम भी कर सकती है। तो ये तो आपका हो गया आईलाइनर की समस्या भी हल। अब आ जाता है मस्कारा। तो ऐसे ही मस्कारा जो है, मस्कारा अगर कोई पुराना पड़ा है या कोई ब्रश पड़ा है, आपके पास मस्कारा का ब्रश पड़ा है, आप उस ब्रश को वॉश करके साफ करके किसी भी लिक्विड लिपस्टिक के अंदर आप उसे डिप करके उससे आप मस्कारे का काम भी कर सकते हैं, या आप इसी तरह से जैसे ये लिपस्टिक है इसके अंदर जो स्पंज है इसके साथ भी आप इसको हल्का करके इसके साथ भी आप हल्का हल्का मस्कारा आईज पे लगा सकते हैं इसको थोड़ा लाइट करते हुए। लेकिन इसके लिए आपको कलर चॉइस करना होगा, यानी रेड कलर का या इस तरह से नहीं लगता, लाइट लाइट जो शेड होते हैं हमारे पास ट्रांसपेरेंट होते हैं, या हमारे पास जैसे पिंकिश के अंदर लाइट टोन आती है, अगर हमारे पास वो पड़े हैं तो उनसे आप मस्कारे का काम भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक लिपस्टिक जो है वो आपके पूरे मेकअप को कंप्लीट कर देती है बिना कोई सामान हुए, यानी बेस होने के बाद आप सिर्फ लिपस्टिक से ही आप अपना पूरा मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आप इसे ट्राई जरूर करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेकअप कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करती हूँ, मैं आपका जवाब भी देती हूँ जो आप मेरे से पूछते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो आप इसे ट्राई करें और मुझे बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। ओके, टेक केयर।